हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। जैसे ही लोग एचएफ फ्रेम करते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो करता है एचएफ को पैसे दे रहा है, क्या वो गिफ्ट माना जाएगा या फिर वो लोन ट्रीट होगा? उसका क्या होगा जो करता है एचएफ को पैसे दे रहा है? तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग इसी क्वेरी को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही हमारे सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और वीडियोस बनाने का और मेहनत करने का। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक करता है, उन्होंने एचएफ फ्रेम किया। अब पॉइंट आता है कि जो करता है एचएफ को पैसे दे रहा है, उसका क्या करें? एक बहुत समरी मैनर में अगर मैं आपको बताऊं, तो एचयूएफ को जो पैसा मिल रहा है कर्ता के थ्रू, दो तरीके से ट्रीट हो सकता है। पहला तरीका कि या तो उसको गिफ्ट माना जाए, दूसरा तरीका या तो उसको लोन माना जाए। अब दोनों ही कंडीशन में टैक्सेबिलिटी क्या होगी एचयूएफ की? लेट्स से कर्ता ने एचयूएफ को गिफ्ट दिए 10 लाख रुपए, और उस एचयूएफ ने वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उससे इनकम जनरेट करनी स्टार्ट कर दी। लेट्स से स्टॉक ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी और उससे वो 2 लाख रुपए साल का अर्न करने लग गए। तो एचयूएफ की जो वो इनकम बनी, क्या टैक्स उस पर एचयूएफ को ही देना है, या फिर मतलब वो 2 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएंगे एचयूएफ के हैंड्स में, या फिर उसको कर्ता को उसके ऊपर टैक्स देना है? सिंपल सी बात है, जैसे ही कर्ता ने एचयूएफ को गिफ्ट किया पैसा, क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, कर्ता को ही इसके ऊपर टैक्स देना होगा जो भी एचयूएफ जनरेट करेगी पैसा थ्रू द गिफ्ट ऑफ द कर्ता। आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड कंडीशन आती है जब कर्ता लोन देता है एचयूएफ को। तो समझे इस बात को, लोन दो तरीके से दिया जा सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन और इंटरेस्ट के साथ लोन। अब इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कर्ता एचयूएफ को देता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। इट मींस उस पैसे पे जो एचयूएफ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कर्ता से लेने के बाद एज ए लोन, वो उस पैसे पे जो भी अर्न करेगा एचयूएफ, उस पे टैक्स कर्ता देगा। वहीं अगर ये इंटरेस्ट वाला लोन हुआ जिसमें इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, तो इस पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, एचयूएफ को ही इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी इनकम एचयूएफ उस पैसे के थ्रू अर्न करने वाला है या अर्न करेगा, उसको टैक्स एचयूएफ को ही देना होगा। सो बात तो क्लियर हो गई। अब पॉइंट आता है कि नेहा, लेट्स से मैं 0.5% ऑफ एनुअल का इंटरेस्ट रख देता हूँ जिससे कि क्लबिंग के प्रोविजन ना लगे। वेल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही एओ भी फॉलो करेगा, बिकॉज जहाँ पे प्रिवेलिंग किसी चीज़ के रेट नहीं होते, वहाँ पे उस टाइम पर बैंक के रेट क्या चल रहे हैं, फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसी के बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। सो इसलिए अगर आप एज ए करते एचयूएफ को लोन देना चाहते हैं, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लीजिए एचयूएफ से, जिससे कि क्लबिंग के प्रोविजन से आप बच जाए। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।